तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजन हो रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन में विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने किया है विधिवत रूप से शुभारंभ। सालों से चल रहे मामलों का निस्तारण होगा। कोर्ट फीस लगता है न कुछ है, दोनों पार्टी की सहमति से न्याय होता है, न कोई जीतता है न हारता है, न कोई तनाव आगे कंटिन्यू करता है कि मैंने इनको नीचे के अदालत में हरा दिया, अब हाई कोर्ट में ये इन्होंने हमें हरा दिया, ये सब मामला नहीं रहता है। तो है तो बहुत सफल चीज, इसमें कहीं डाउट नहीं है। पूरे प्रदेश में किस तरीके से कहां कितने रखते, पूरे प्रदेश में 481 बेंच का गठन किया गया है और लगभग 6 लाख मुकदमों की सुनवाई होनी है आज लोक अदालत में। समझ जाइए, यदि इसका 70% भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ मामले में इसलिए हम लोगों को आगे स्थगित कर देना पड़ता है कि पार्टी तो लगभग सहमत हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह सहमति उनकी नहीं बन पाती है, कहते हैं एक बार और सोचने का मौका दीजिए, अगले लोक अदालत में वो सारे मैटर डिस्पोजल हो जाते हैं। तो रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए जितना मैटर लगा हुआ है लोक अदालत में, और न्यायालय में जितना वाद का निपटारा हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा लोक अदालत से निपटारा हो रहा है। भले हम कह सकते हैं कि न्यायालय में इसलिए नहीं निपटारा जल्दी हो रहा है कि जटिल मामले रहते हैं, उसको आनन फानन में ख़त्म नहीं किया जा सकता है, हर पक्ष को सुनने का पूरा मौका देना आवश्यक रहता है, इसलिए लोक अदालत तो है ही कारगर। सर, जो भी मुकदमे लगे हैं उसमें आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, जिन पक्ष के भी मुकदमे हैं? मेरा तो अपील है सारे बेंचेज में जहाँ भी बेंच बने हैं कोई ना कोई अनुभवी न्यायिक अधिकारी या पूर्व न्यायाधीश बैठ रहे हैं, वो तो अपना अनुभव रखेंगे ही, उनकी बातों को आसानी से समझ लेते हैं लिटिगेंट कि यदि जज साहब ऐसा कह रहे हैं कि इसका फाइनल यही रिजल्ट होगा तो क्यों नहीं हम इसी स्टेज में इसको निपटा लें, उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा तो उम्मीद है कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा होगा ही, और काफ़ी उत्साह से काफ़ी लोग आए हुए हैं, हर जगह का खबर आया है कि हर जगह काफ़ी लोग जुटे हैं, तो मामलों का निपटारा तो होना ही है। जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें बार का पूर्णतः सहयोग है, और बिना बार के सहयोग के ये राष्ट्रीय लोक अदालत संभव ही नहीं है। लेकिन हमारे जो पूर्व जजेज हैं और वर्तमान जजेज हैं इस प्रॉपर्टी को लगातार कंटिन्यू चलाए हुए हैं, और यह बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई मैटर लोक अदालत में डिसाइड हो जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती, और सहयोग से दोनों ही प्यार से लिटिगेंट्स अपने शांति से रह सकते हैं। और लगातार ये जो इस तरह की लोक अदालत हो जाए, जो इस अभी सचिव जो दिनेश जी हैं, दिनेश जी गुप्ता का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ में लगे ही रहते हैं। तो देखिए, सालों से चल रहे मामलों का निस्तारण करने का उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जो सालों से जो तमाम मामले लंबे थे उनका निस्तारण हो जाए, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार को आप देख रहे हैं, उन्होंने विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हालांकि सभी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ और वही दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन में विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। बुके भेंट किया गया, स्वागत भी किया गया, और फिलहाल जो तमाम मामले लंबित होंगे उन लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सालों से जो मामले लंबित रहते हैं उनका निस्तारण होगा। और कमलकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलकांत, एक ही उद्देश्य इस कार्यक्रम का, जो सालों से जो मामले लंबित हैं उनका निस्तारण होगा, और ये बहुत बड़ी बात है।
जी बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमों का निस्तारण करने के लिए करीब 5.5 लाख मुकदमों को इसमें सूचीबद्ध किया है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने इसका विधिवत रूप से लोक अदालत का उद्घाटन किया है। आपको बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट जोधपुर में 5 और जयपुर पीठ में 4 बेंचों का गठन किया है और जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट बेंच हाईकोर्ट के साथ साथ पूरे प्रदेश में 481 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें करीब 5,45,721 मुकदमे सुनवाई के लिए रेफर किए हैं। साथ ही करीब कई लाख मुकदमे आज डायरेक्ट इसमें सुने जाएंगे लोक अदालत में। ठीक है जी कमलकांत, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है, तो तमाम उन मसलों पर सुनवाई होगी जो काफी समय से लंबित है, जिनका निस्तारण होना बाकी है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने विधिवत रूप से इस लोक अदालत का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में विधिवत रूप से इसका शुभारंभ हो चुका है।